जा पाए। आजी भाई, आजी भाई की प्रोग्राम में उठाने जन थप्पा कादे दे लाना, कादे दे लाना। उम्मीदवार याद है, निशान भी याद है, नारा भी याद है। की नारा? बस अतरिक बात है, पाकिस्तान का मंजर दस रहा, ना तीर आ रहा, ना शेर आ रहा, ना नून आ रहा, मोहम्मद अरबी का कानून आ रहा। और थप्पा लाना क्रेम दे, दे लुक छुप के नहीं, एन चुप के पर्ची लगे कार के निपटप्पा, और लगे कार के निपटप्पा। और मैं सुनया बदमाश लगे फिर दे, कोई ताए पाए किसी के दिमाग कोई खराबी कीड़ा हो, थले कोई जैकेट नहीं पाई हुई जड़ी जनाब बुलेट प्रूफ, जे थले जैकेट बुलेट प्रूफ कोई नहीं, हाथ च बंगा भी नहीं, हाथ च ना चीमा साहब के बंगा ना साड़िया बंगा। जे किसी ने बदमाशी की उग तुन के आवे सारी जिंदगी, इलेक्शन 36 साल तो 50 साल तो 40 साल तो लड़ रहे हो, इलेक्शन लड़ो मैदान चाहो और चने बनो, जेल लड़ना तो फिर इलेक्शन में बाद चो लड़ना पहले। इस वास्ते साढ़े कारकुन वाल किसी ने आदमी मैनी नहीं करनी। क्यों जी? हाँ जी, बाकी मैं तमाम बरादरियों का शुक्रिया अदा करना, सोचने वाले तुहाडा भी शुक्रिया अदा करना, तुसी जिस मुहब्बत का इजहार किया इंशाअल्लाह कहने नारा नहीं लगना पाकिस्तान। मैं क्या चलिया है नारा आर भी लगना, आर बाजार भी लगना, जे वेला आया तो बार्डर पार भी लगना, और यह नारा लगना इंशाअल्लाह। इसे नारे ना तो हर शह कंबदी जा रही होनी, इंशाअल्लाह हर शह कंब रही हो। कहने करोगे की? मैं क्या यार जना रोटी कपड़ा मकान का नारा लाया वह भी नस गया, जिन्हें तरक्की का नारा लाया वह भी नस गया, हूँ कोई दिन लपया गड़े कितने। और मैं क्या जिन्हों का लीडर 50 रुपए के स्टाम से लंदन नसे रहे हूँ वह नस के बाबा साढ़े को पुछ गए कि बस ऐतरिक बात है। ऐशा ये मकतब नहीं मैखाना है, यहाँ ताज उछाले जाते हैं पगड़ी उछाली जाती है, लिहाजा साढ़े कारकुनों वाल आवाम वाल किसी ने मैली अखरा नहीं देखना। बाकी रही नारा नहीं लगना तो इंशाअल्लाह ये नारा इतने भी लगना, चौक च भी लगना, बाजार भी लगना, इंशाअल्लाह 8 तो जितर तो बाद असम्बली दे विच भी लगना। ताजदारे खत्मे नबूवत, आचो भी सारे आचो, सारे सारे सो गए आचो, सारे चो आचो, वोट तो वादे नहीं लड़ा नारा लगाना, वोट तो वादे वोट तो तुसा देना 18 दिन आचो सारे आचो, सारे 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 गुफ्तगू करनी है, लेकिन आपने बड़ी तो तनदेही से और बड़े गौर से मेरी चंद बातें सुननी है। अल्लामा इकबाल कहता है कि है तेरे जमाने का वही इमाम पर हक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखा के रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, और देखे लहू गरमा दे, फकर की शान चढ़ा के तुझे
फकर की साल चढ़ा के तुझे तलवार करे और फितना मिल्लत पैदा है मोहम्मद उसकी। इकबाल आज कौम को ये कह रहे हैं कि हमारा इमाम, हम इसका जनाब वजीर आजम देखना चाहते हैं नवाज शरीफ को, हम वजीर आजम देखना चाहते हैं जनाब सरदारी को, बिलावल को। बाल कहता है फितना मिल्लत पैदा है मोहम्मद उसकी। इकबाल ये तो कहते हैं कि हम कौम के बड़े मुसले हैं, हम बड़े कौम को जनाब तरक्की और ये देने आए हैं, और इकबाल कहता है फितना मिल्लत पैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। बस इतनी गलत यार, तुसी सारे सहयो 76 साल हो गए, इन्हें झूठ मार मार के कौम का हाल कर देता और चढ़ा आना आगे कहेगा मैं कौम का मसीहा, असर दावे नहीं कर रहे, आगे कहेगा मैं कौम का मसीहा, मैं कौम रोटी कपड़ा मकान देगा, मैं तरक्की देगा, मैं फला करेगा, मैं फला करेगा। रोटी कपड़ा मकान की देना सी जेड़े पहले हैं वो भी लगाना है, ठीक है। और दूसरी बात, फिर एक आएगा और कहेगा जनाब मैं कौम वास्ते आया, की लड़ाई में कौम वास्ते आया, और कौम जो तेरी जरूरत सी कोरोना दे विच, जो तेरी जरूरत सी सैलाब दे विच, जो तेरी जरूरत सी महंगाई दे विच, उदो तो लंदन में बह के तू जनाब हल्ले पीते और जनाब मांडे और KFC खाता रहा,